हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज कुछ हम लोग वीकली करेंट अफेयर्स में देखेंगे। हम लोग 22 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में जो घटनाएं हुई जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है मिशन सत्यनिष्ठा। मिशन सत्यनिष्ठा जो है इंडियन रेलवे के द्वारा चलाया गया है और इसको जो चलाया गया उसका मेन मकसद है कि एथिक्स डेवलप किया जाए पब्लिक गवर्नेंस में और उसके एम्प्लॉय के बीच में। तो एथिक्स यानी एक अच्छा विचार डेवलप करने के लिए, एक अच्छा सोच के साथ काम करने का, डेवलप करने का एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है मिशन सत्यनिष्ठा। इसमें आपको याद रखना है मिशन सत्यनिष्ठा इंडियन रेलवे के द्वारा चलाया गया है और वो चलाया गया है एथिक्स इन पब्लिक गवर्नेंस, इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए 28 जुलाई, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डी मनाया गया, हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए दिन मनाया गया है 28 जुलाई। और आगे हम लोग देखें तो म्यांमार यानी वर्मा, पहले इसका नाम वर्मा था। तो म्यांमार जो है अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका कि लीड कर रहा है इंडिया और फ्रांस, और ये दोनों देश के द्वारा इनिशिएट किया गया था, शुरुआत किया गया था। और जितना भी ट्रॉपिकल एरिया के कंट्रीज हैं उन सारे कंट्रीज़ को आपस में जोड़ने की बात किया जा रहा है कि उन लोग में सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस किया जाए और टोटल 121 कंट्रीज़ को इसमें लाने के प्रयास किया जा रहा है। म्यांमार जो है अभी जल्दी ISA से जुड़ा है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ा है। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी का एक मुहिम था, उसी का एक पार्ट था, जिसमें कि बच्चों पे, गर्ल चाइल्ड पे ध्यान दिया गया था। उनको बताया गया था कि गर्ल चाइल्ड अगर जन्म लेते हैं तो उनको शुरुआत में कुछ पैसा जमा करना होगा जो कि वो बच्चों को ग्रेजुएशन या फिर कॉलेज ख़त्म करते समय उन लोग की ज़रूरत पड़े, यानी फर्दर आगे पढ़ाई के लिए उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले था कि मिनिमम रखा गया था कि 1000 रुपये आपको जमा करना है अकाउंट में और गवर्नमेंट जो है उस पर इंटरेस्ट देंगे, लेकिन अब उसको घटा के 250 रुपया कर दिया गया है। 250 रुपया आपको शुरुआत में जमा करना है किसी अपनी बच्ची के नाम पे, जो भी बच्ची जन्म लेती है, और उस पर इंटरेस्ट जो है वो सरकार देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो ये जो है 250 रुपया कहने का मेन मकसद बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जाए। 1000 थोड़ा कॉस्ट हो जाता था ज़्यादा, तो ज़्यादा लोग इसको नहीं फ़ायदा उठा पाते थे सुकन्या समृद्धि योजना का, तो इसी मकसद से अभी 1000 से 250 रुपया कर दिया गया है। आगे देखें फर्स्ट बार ट्राइबल एटलस, पहली बार ट्राइबल एटलस जो है डेवलप किया गया है, रिलीज किया गया है, वो किया गया है उड़ीसा राज्य में। फर्स्ट टाइम ट्राइबल एटलस रिलीज किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, जिसपे कि आपको दिया जाएगा डेमोग्राफिक यानी वहाँ का पॉपुलेशन और उसके कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, उससे रिलेटेड एटलस तैयार किया जाएगा। आगे देखें तो बिहार असेंबली जो है पास किया है बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2018, यानी बिहार में जो शराबबंदी को लेकर जो एक्ट था उसमें कुछ संशोधन लाने की बात किया गया है और बहुत सारे पॉइंट पे संशोधन किया गया है। टोटल 16 पॉइंट है जिसपे कि संशोधन किया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है। इसके बारे में कभी हम लोग डिटेल में करेंगे पूरा बिहार असेंबली के बारे में, यानी बिहार एक्साइज अमेंडमेंट बिल जो 2018 के लाया गया है उसके बारे में कभी हम लोग डिटेल में इस पर हम लोग बात करेंगे। आगे देखें तो पिच ब्लैक एक एक्सरसाइज है, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो उसी तरह से ये एयर एक्सरसाइज है, यानी एयर फोर्स का आपस में एक प्रैक्टिस है और ये मल्टीनेशनल है, इसमें कई देश भाग ले रहे हैं। इसमें देखा जाए तो टोटल 12 देश हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं, उन लोग आपस में एक एयर फोर्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं, एयर फोर्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से इंडियन एयर फोर्स भाग ले रही है और इसका जो स्टार्ट हुआ है 27 जुलाई से 17 अगस्त तक ये चलेगा, 27 जुलाई से 17 अगस्त तक ये एक्सरसाइज चलेगा। इसके इंडिया के अलावा और भी टोटल 11 कंट्रीज़ है, यानी टोटल इसमें मिला के देखा जाए तो टोटल 12 कंट्रीज़ हैं जो कि पिच ब्लैक, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। पिच ब्लैक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसको ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यानी रॉयल एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया उसके हेल्प से किया जा रहा है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, पार्लियामेंट है एक नया बिल पास किया है जो कि फाइनली पास हो गया है पार्लियामेंट संसद के द्वारा, वो कौन सा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट, यानी करप्शन के रोकथाम के लिए जो नियम था उसमें संशोधन किया गया, उसके लिए बिल 2018 लाया गया है।
और इसको पास कर दिया गया। इस बिल से फ़ायदा क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी पारदर्शिता और जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। इस वजह से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2018 लाया गया है। आगे का पॉइंट में देखिए, इंडिया और रवांडा, अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का रवांडा दौरा हुआ था, वहाँ पे इंडिया और रवांडा के बीच में टोटल 8 अग्रीमेंट पे साइन किया गया है। बहुत सारे एग्जाम में देख रहे हैं कि आजकल पूछ रहा है कि दो देशों के बीच में कितने अग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो इंडिया और रवांडा के बीच में अभी जो है 8 अग्रीमेंट साइन हुए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखें तो महानदी मिशन, ग्रीन महानदी मिशन जो है लॉन्च किया गया है। और महानदी कहाँ की महत्वपूर्ण नदी है? महानदी उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी है। पिछले बार बीपीएससी में पूछा था कि महानदी की, इसका जो तेल जो है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो वो महानदी की ही ट्रिब्यूटरी है, तेल नदी। तो यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि ग्रीन महानदी मिशन जो लॉन्च किया गया उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, इसका मेन मकसद है कि जो सॉइल इरोजन होता है, भूमि कटाव होता है, या फिर जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उसको रिचार्ज किया जाए ग्राउंड वाटर को। तो इन सारे मकसद के लिए ग्रीन महानदी मिशन स्टार्ट किया गया है। आगे देखें तो इंडिया का पोजीशन जो भी 6th पोजीशन आ गया है, किसमें? ग्लोबल ऑप्टिज्म इंडेक्स, ग्लोबल ऑप्टिज्म इंडेक्स में इंडिया अभी 6th पोजीशन पे है। और ये इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट एक तरह से कहा जाए तो है, इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट है ग्लोबल ऑप्टिज्म इंडेक्स। आगे देखें तो 1st अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे माना जा रहा है। अर्थ ओवरशूट डे कहते हैं कि हमको या हमारे लिए जो भी रिसोर्सेज है, पूरा एक साल के लिए रिसोर्सेज हमें उपलब्ध है, उस एक साल के रिसोर्सेज को हम लोग कुछ दिन पहले ही ख़त्म कर देते हैं, और बाकी जो रिसोर्सेज है वो हम लोग एक तरह से कर्ज की तरफ लेते हैं। तो जो हमारा पूरा साल भर 2018 का जो पूरा साल भर का जो रिसोर्स है, जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, वो 1 अगस्त 2018 तक समाप्त हो जाएंगे। और 1 अगस्त 2018 के बाद जो हम लोग जिएंगे, वो समझें कि नेचर का हम पे कर्ज है, यानी हम लोग जो है नेचर से अपने लिमिट से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इसी को बोला गया है अर्थ ओवरशूट डे, और इस बार जो है 1 अगस्त 2018 को फॉल कर रहा है आ रहा है। और इसको शुरुआत किया गया था 1970 में ही इसको शुरुआत किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं पोषण अभियान जो है चलाया गया है, पोषण डेवलप करने के लिए बच्चों में। ये चलाया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसका फुल फॉर्म हो गया प्राइम मिनिस्टर यानी PM's ओवर रीचिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो पोषण का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन। और ये लॉन्च किया गया था मार्च 2018 में, तो उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग आगे का पॉइंट में देखते हैं, इंडिया का रैंक अभी 11वां पोजीशन हो गया है। किस चीज़ में हो गया है 11वां पोजीशन? पहले 10वां पोजीशन पर था, अभी 11वां पोजीशन पर हो गया। FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स में इंडिया का डाउनफॉल हुआ है, यानी 11 रैंक था, यानी टॉप 10 में आता था, वहाँ से अब 11वां रैंक पे आ गया है। तो एक रैंक कम हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स में। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है पार्लियामेंट पासेज फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल, यानी संसद के द्वारा पास किया गया जो भगोड़ा बिल होता है, जो आर्थिक भगोड़ा बिल यानी फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल, यानी जो हमारे विजय माल्या, फिर जो मेहुल चौकसी, चाहे ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो इंडिया का पैसा लेकर विदेशों में भाग जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने, उनको रोकथाम करने के लिए संसद द्वारा कानून पास किया गया है, उसी का नाम है फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2018। अब इसको फाइनली पास कर दिया गया है। आगे देखें 19वां एनिवर्सरी मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस का 19वां एनिवर्सरी इस बार मनाया गया था। कारगिल का जो युद्ध हुआ था, जिसमें इंडिया का जीत हुआ था, ये हुआ था 1999 में। आगे हम लोग देखते हैं 2018 का जो रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, 2018 का रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसमें दो इंडियन को भी शामिल किया गया है। इसमें एक हैं भरत वाटवानी और दूसरा है सोनम वांगचुक।
और ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, फिलीपींस फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और रमन मैग्सेसे अवार्ड को बोला जाता है कि एशिया का नोबेल प्राइज है, एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड के रूप में जाना जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड। इंडिया के दो हैं, भारत वटवानी और सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो कि माना जाता है कि इन्हीं के ऊपर थ्री इडियट में जो आमिर खान का द्वारा जो रोल प्ले किया गया था वो सोनम वांगचुक का था, जो कि फुंगसू वांगड़ू का था। आगे हम लोग देखें वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल असेंबली जो है वहाँ का विधानसभा के द्वारा पास किया गया है, एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें कि बांग्लादेश को बांग्ला रखा जाएगा, यानी बांग्लादेश का वेस्ट बंगाल को यानी पश्चिम बंगाल का नाम रखेगा अब बांग्ला, तो ये पास कर दिया गया है, अब इसका नाम बांग्ला रखा जाएगा। 27 से 28 जुलाई के बीच में चंद्र ग्रहण लगा था, लूनर इक्लिप्स लगा था, और इसको बोला गया है ये ब्लड मून। ब्लड मून यानी जो कि एक रेडिश कलर का दिखता है, जब उसका लाइट जो चारों तरफ से डिस्पर्स होता है, छितरा जाता है, तो सारे लाइट जो है वो फैल जाते हैं, लेकिन जो रेड कलर का लाइट है वो कम फैलता है, तो इस वजह से जो मून है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। ये 27-28 जुलाई 2018 को हुआ था और इस सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण माना गया, 1 घंटा 43 मिनट तक ये टोटल लूनर इक्लिप्स था, फुल चंद्र ग्रहण था, ऐसे ही लगभग चला था 6 घंटे के आसपास में चला था, 5 से 6 घंटे, लेकिन इस सदी का सबसे लार्जेस्ट टोटल लूनर इक्लिप्स के रूप में है, 1 घंटा 43 मिनट। इसमें एक और टर्म आता है ब्लू मून। ब्लू मून कहते हैं कि जब एक ही महीना में किसी एक कैलेंडर मंथ में दो बार पूर्ण चंद्रमा दिखे, यानी दो बार पूर्ण चंद्रमा दिखे तो उस महीना उसमें हम लोग कहते हैं ब्लू मून, क्योंकि उसमें जो कलर होता है थोड़ा सा ब्लू हो जाता है। सुपर मून हो जाता है जबकि अर्थ के नज़दीक में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा का साइज थोड़ा बढ़ जाता है और उसका ब्राइटनेस भी लगभग 30% बढ़ जाता है, और इसका जो साइज है लगभग 14% के आसपास बढ़ जाता है, तो इस वजह से इसको सुपर मून कहते हैं। और ब्लड मून को अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो ये थे इस सप्ताह के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।